हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेव सेलर सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। हम उस सेक्शन की वीडियो लेके आए हैं जिसकी कैटेगरी या कह सकते हैं जिसकी डिमांड बहुत है, जिसके ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो आइए इस वीडियो तो देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको उस वीडियो हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर किसी पॉइंट को हम छोड़ देंगे, उम्मीद करता हूं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज में हम उसे भी अपने वीडियोज में मेंशन कर सकें। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूअर्स, सो आज हम ब्रेव सेलर्स का एक और सीरीज लेके आए हैं आपके पास एंड उम्मीद करता हूँ आपको पहले के वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट्स हम देख रहे हैं और उस कमेंट्स पे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे उस सारे कमेंट्स पे भी वीडियोस हम लाने वाले हैं। सो बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद। आइए बात करते हैं। यहाँ पे हम एक सेलर हैं जिनका स्टोर नेम वृतांश कम्फर्ट शॉपिंग है और आइए बात करते हैं इनसे कि ये कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या किस प्लेटफॉर्म पर, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, How has she been faring up on the online journey? और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। So let's start. Thank you, ma'am, for joining this interview. It's a great opportunity to have you on this. So it's an honor, ma'am. Thank you so much. So ma'am, my very first question will be कि when did you start your online journey? आपने कब start किया और क्या motivation रहा आपका जो आपने decision लिया, ma'am? I think it's been more than 2.5 years that I have started through online or मेरा जो सबसे पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रहा है पर्सनली रिकमेंडेड वो अमेज़न, तो इसलिए क्योंकि अमेज़न अपने आप में ही एक ट्रस्टेड ई-कॉमर्स साइट है। तो सी, अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करो या नेशनल लेवल की बात करो तो लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट है अमेज़न पर एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट एंड अदर ई-कॉमर्स पोर्टल्स। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो अपना जर्नी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया वो अमेज़न था, देन आई हैव मूव्ड टू फ्लिपकार्ट अलोंग विद, एंड राइट नाउ जो करंट अभी मार्केट पिछले कुछ 6-8 मंथ से जो बूम कर रही है मार्केट में, दैट्स मीशो। सो यस, वी आर सेलिंग ऑन मीशो एज वेल। फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स वी आर सेलिंग थ्रू मीशो। यस, हाउ दैट लाइक आई स्टार्टेड इट। रिकमेंडेड इट कि अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छा सेल होता है और काफी यू नो ट्रस्टेड एक साइट है जिसके ऊपर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इफ यू सेलिंग द क्वालिटी तो दे आर वैल्यूइंग इट। अमेज़न अच्छी क्वालिटी को वैल्यू करता है। करेक्ट, 100%। तो बस वही एक मोटिवेशन था, तो आई स्टार्टेड इट एंड उसके बाद फिर वो जर्नी कब साल दो साल ढाई साल तक पहुंच गई। किस साल में शुरू हुआ मैम, व्हिच ईयर? 2021। मैम कैटेगरी, व्हिच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है आपका मैम, जो व्यूअर्स को बताना चाहिए? कैटेगरी जब मैंने बिगनिंग में स्टार्ट किया था तो आई हैव स्टार्टेड विद सॉफ्ट टॉयज। तो सॉफ्ट टॉयज करते करते फिर इट केम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स। तो हम लोग फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म से ट्रेडिंग फर्म दूसरी फर्म को दिखाया। सो वी हैव स्टार्टेड सेल इट लाइक क्लोथ्स ऑनलाइन। तो यही चीजें रही कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। मैम जैसे कि डिसीजन तो ऑनलाइन पे आपका बेस्ड हो गया, कैटेगरी डिसीजन पे कैसे आपने इन्फ्लुएंस हुआ कि आपका पहले से उस पे प्री वर्क था या फिर आपने as it is new challenge ही लेके new category start किया, तो category decision पे आपने कैसा zero in किया? Category sir, अगर मैं softwares की बात करूँ तो it's a good marketplace। अगर मैं particularly Plush में या फिर एक quality अगर आप deliver कर रहे हो, talk about the Amazon as compared to Flipkart, मेरा preference जाता है Amazon को। तो जब हमने start किया एक quality sale करना तो हमें कस्टमर के रिव्यूज भी बहुत अच्छे आने लगे। कई कस्टमर ने लाइव वीडियोस डाली विद 4-5 स्टार रेटिंग। सो वी गॉट टू नो द वैल्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट कि हम
सही जगह पर बैठे हुए हैं। देन फिर उसके बाद कैटेगरी चेंज करने का माइंड में आया कि अब हमें कैटेगरी चेंज करनी चाहिए कुछ ड्यू टू सम रीजन। सो वी स्टार्टेड टू यू नो सेल, लाइक हमने कुछ प्रोडक्ट्स फेस्टिव वर्क के अकॉर्डिंगली सेल किए। देन हम फ्रॉम लास्ट जुलाई आई थिंक वी जस्ट सेलिंग ओनली एंड ओनली गार्मेंट्स। तो अभी हम पिछले ही साल से हम सिर्फ गार्मेंट्स पे स्टिक हैं। सो वी आर कमिंग विद यू नो मोर वेराइटीज ऑफ गार्मेंट्स ऑल्सो। तो हम कुछ और नई वेराइटीज लेके आना चाह रहे हैं अगले और 6 महीने में। वी वॉन्ट की एटलीस्ट वी कैन डिलीवर द गुड क्वालिटी एंड यू नो एज पर द मॉडर्न मार्केट वी कैन डिलीवर द मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो। Okay. Like, where we do not compete our product and articles with some other seller over the Amazon. Because I'd like just to add to this from a viewer's point of view. जैसे मैम ने कहा कि जैसे जैसे इनको Amazon पे videos के साथ 4-star, 5-star ratings मिलने लगा, I'll tell you that is the most impactful review system. आज के टाइम पे इसको टेस्टिमोनियल वीडियोस बोलते हैं, जहां पे क्लाइंट्स के जो रिव्यूज होते हैं वो टेस्टिमोनियल फॉर्मेट में होते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट ट्रस्टेड रिव्यू ऑनलाइन फील्ड पे, बिकॉज देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स आप सिर्फ लिख सकते हैं या सिर्फ आप 5-star देके छोड़ सकते हैं, आप वीडियोज बनाना, सबसे इम्पैक्टफुल तो वो होता है। सो जैसे कि मैम का स्टार्ट हुआ कि इनको टेस्टिमोनियल वीडियोज आने लगे, सो दैट इज वेरी हाई क्रिएटिव। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, आपके जो और भी ऑनलाइन बायर्स हैं, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होते हैं एंड दे आर गेटिंग इनटू मोर ट्रस्टेबल फॉर्मेट। तो ये एक चीज होता है मैम। सो दैट इज समथिंग आई वुड एज अ व्यूअर और एज अ न्यू सेलर कि अगर आपके पास टेस्टिमोनियल वीडियोस पे के फॉर्मेट में रिव्यूज आ रहे हैं, आपके लिस्टिंग्स पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट मैम, थैंक यू सो मच। तो कैटेगरी सिलेक्शन के मैम, इस लाइन में तो वी नो दैट की एसक्यूज की कमी नहीं है, दे आर इन लैक्स द एसक्यूज आर। तो फिर एसक्यू जीरो इन कैसे होते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस देखते हैं, हाउ डू यू सी कि हाँ ये एसक्यू पे सेलेक्ट करते हैं? तो प्राइसिंग डिपेंड करता है ऑब्वियसली एसक्यू के ऊपर। यू कैन नॉट लाइक पुट ईच एंड एवरी आर्टिकल एज पर द लाइक सेम प्राइसिंग कैटेगरी। दैट डिपेंड्स अपॉन द लाइक हाइट ऑफ द आर्टिकल और आर्टिकल की मॉडर्नाइजेशन, उसका फैब्रिक, देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स व्हिच वी एनालाइज इट एंड देन उसके बाद हम लोग उसका प्राइसिंग फैक्टर जो है डिसाइड करते हैं एंड वी पुट इट ऑन Amazon। सो ऐसा कभी होता रही मैम कि जैसे कि आपने कोई कैटेगरी को या फिर किसी प्रोडक्ट को एसक्यूज को आपने फाइनल किया, बट जब आपके पास वो फिजिकल फॉर्म में आता है तो फिर आपको लगता है कि ओके दिस इज समथिंग जो क्वालिटी सर्व नहीं कर रही है, सो यू रिजेक्ट दैट एज वेल, और या फिर वो पहले ही सब आप सेलेक्ट करके एसक्यू को सेलेक्ट करते हैं? जब आप एसक्यू सेलेक्ट करते हैं वो चेकलिस्ट रहता है उसमें? एक्चुअली होता क्या है सर, आई पर्सनली प्रेफर क्वालिटी। मुझे भी अगर कोई चीज खरीदनी होती है आई गो टू Amazon ओनली, आई डू नॉट प्रेफर अदर साइट्स, नीदर मीशो नॉर फ्लिपकार्ट। सो इफ आई एम गोइंग एज अ कस्टमर टू बाय गुड थिंग थ्रू Amazon, आई प्रेफरली गेट दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद के लिए भी क्वालिटी यूज कर रही हूँ, तो जब मार्केट में भी मेरा प्रोडक्ट या मेरी कंपनी का नाम अगर किसी के पास जाए, तो इट शुड दे शुड गेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो बनने से के बाद जो चीज़ें डिसाइड होती हैं कि क्या हमें उसको ऑनलाइन करना है, कितना उसका स्टॉक है, किस तरीके से हम उसका वैल्यूएशन निकालेंगे, क्या प्राइस होगा, एवरीथिंग। सो आई पर्सनली डिसाइड व्हाट शुड आई मेक इट ऑनलाइन, व्हाट शुड आई यू नो प्रेफरली नॉट टू गो विद इट। हम लोग भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सो वी नो दैट इट विल लास्ट ओनली टिल द टाइम वी प्रोवाइड द कैट क्वालिटी। सो कभी भी जब सर्विस रिलेटेड फील्ड होती है, इधर इट इज प्रोडक्ट फील्ड और सर्विसेज, क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको मेंटेन करना पड़ता है फॉर अ लॉन्ग बिजनेस। अदरवाइज अगर इफ यू डोंट मेंटेन द क्वालिटी, योर बिजनेस विल डाई डाउन इवेंचुअली। देयर आर मेनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हु स्टार्टेड दिस, बट क्योंकि वो क्वालिटी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए अपने बायर्स को, दे वर इवेंचुअली एबल टू ऑल्सो हैव मोर देन अ करोड़ बायर्स, 10 crores ऑल्सो बायर्स, बट इवेंचुअली दे डाइड डाउन बिकॉज द क्वालिटी दे वर नॉट सर्विंग। सो इस तरह से बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो क्वालिटी एज अ न्यू सेलर आप बनना चाहते हैं तो क्वालिटी जो पहला थिंग है आप प्लीज मेक श्योर करें
क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा तो बिजनेस विल रन डाउन एट द एंड ऑफ अ ईयर मैक्सिमम टू ईयर्स बट इट विल नॉट बी अ लॉन्ग रन. सो क्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देना चाहिए फॉर अ लॉन्ग सक्सेसफुल बिजनेस टर्म्स. मैम ये तो रहा कैटेगरी प्रोडक्ट सेलेक्शंस के बारे में, इससे भी और इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये उस उनके लिए जा रहा है जो कि बच्चे हैं तो उनके लिए पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फील होती है. जब भी हमारा बर्थडे होता था व्हेन वी यूज्ड टू बी चिल्ड्रन, सो बर्थडे पे पैकेजिंग के साथ आती थी तो गिफ्ट्स का पैकेजिंग जो होता था बहुत अच्छा लगता था. सो ऑनलाइन फील्ड में वही है कि पैकेजिंग अच्छा मिलता है बायर्स को तो उनको खोल के डब्बा खोलने में ज्यादा अच्छा लगता है. अगर डब्बा बैड क्वालिटी शेप में आता है तो उनको लगता है क्या आ गया. सो आपने पैकेजिंग पे मैम कैसे ध्यान दिया, हाउ डू यू फिक्स इट ऑन द पैकेजिंग दैट जब कस्टमर के पास मिले सो दे शुड बी वेरी सैटिस्फाइड विद द पैकेजिंग इटसेल्फ एट फर्स्ट. To be honestly, मैं कुछ भी आपको बड़ी बड़ी बातें फेंकने के लिए नहीं बोलूंगी. एंड वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई टेल यू आई यूजुअली टेक वेरी स्टैंडर्ड पैकेजिंग जो एक एज पर दी नॉर्म्स लाइक उसका अमेज़न का जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड है आई यूज ओनली दैट. बट दैट डिपेंड्स कि उसके अंदर भी जो आप प्रोडक्ट पैक कर रहे हो जो पैकिंग आपका आउटर आएगा जी. वो कैसा आउटर पैकिंग है वो डिपेंड करता है. तो मेरा अभी जो गारमेंट्स में अभी कुछ प्रोडक्ट्स गए हैं पैकेजिंग में एंड कस्टमर्स लाइक इट कि जिन्होंने मुझे रिव्यूज के साथ उन लोगों ने डाला है मेरे गारमेंट्स की पोटी पर. एक आउटर जिपिंग पैकिंग होती है जो इट्स अ हार्ड प्लास्टिक जिसमें ब्रांडिंग प्रॉपर दी गई है, एवरीथिंग मेंशन देयर इसके अंदर कितना परसेंट कॉटन है, कितना परसेंट आपका इसके अंदर पॉलिएस्टर है, वो सारी चीजें डिटेलिंग में बताई गई. इट्स अ हार्ड प्लास्टिक सो कस्टमर कैन एटलीस्ट रिकॉल माय प्रोडक्ट एट एनी टाइम व्हेन एवर दे आर यूजिंग इट, वेदर दे आर यूजिंग इट और वो प्रोडक्ट कभी उसकी लाइफ खत्म भी हो जाए एंड वो एटलीस्ट जो मेरा मार्क छूट गया वो मेरा पैकेजिंग छूट गया. तो मुझे ऐसा लग रहा है आउटर पैकेजिंग व्हाट दे विल डू दे जस्ट यू नो पील इट ऑफ एंड थ्रो इट. बट जो आपका इंटरनल इंप्रेशन जो प्रोडक्ट आ रहा है मुझे वो लगता है वो इंटरनल इंप्रेशन आपका जाना चाहिए जिसके ऊपर आपकी प्रॉपर ब्रांडिंग आपकी मार्केटिंग जो प्रोडक्ट के ऊपर दी जाती है तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए एज कंपेयर टू आउटर. इट्स जस्ट स्टैंड एवरीबॉडी सेलिंग द सेम व्हाट डिफरेंट थिंग यू आर डूइंग बाय योर ओन ऑन योर प्रोडक्ट. करेक्ट करेक्ट. सो थैंक यू ऑन दिस. This next question is, आप product जा रहा है मैम, मैं बात किया था product receive करने के, तो product को वापस भी आता है, मतलब returns भी होते हैं. So what is your experience on returns? Are you getting the same product in good condition or different product, damaged product, heavily used product? What is your experience on returns, ma'am? ये question आपको नहीं करना चाहिए था sir. हाँ, because ये common factor है. मेरे videos में भी ये चीज है. कस्टमर जो सेम प्रोडक्ट रिटर्न है वो बहुत ही रेयर चांसेस होता है. इट्स लाइक 2-3% मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे डू प्रोडक्ट को यूज किया हुआ होता है उसके अंदर प्रोडक्ट मिसिंग होता है. प्रोडक्ट मिसिंग है किसी में और किसी ने आपको कुछ भी भेजा जा रहा है मतलब दिस इज नॉट द सेम प्रोडक्ट यू आर सेलिंग समथिंग एल्स एंड दैट यूज्ड प्रोडक्ट. सो सी एवरीबॉडी नोज वी आर डूइंग द बिजनेस ऑनलाइन वी नोज इट. The people who all are doing in this industry through e-commerce platform, they are aware of and very much, you know, aware of ki haan, itna to return we are expecting it. But main yahan par meri choti si ek shikayat hai online platform se ki at least they should listen to the buyer, to the vendor as well. Ek supplier ki sunwai honi bahut zaruri hoti hai. कि जिसमें रिटर्न कुछ भी भर के आ रहा है उसका प्रॉपर 100% रिइंबर्समेंट मिलना चाहिए, नॉट इवन जस्ट 60-80%. बिकॉज वी आर सेलिंग द एंटायर प्रोडक्ट एज पर द 100% कॉस्टिंग सो वी शुड एक्सपेक्ट द सेम एट लीस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम्स इट हैपेंस लाइक अब एक दुनिया में कई तरीके के लोग हैं सर. आप ताज के अंदर भी अगर खाना खा रहे हैं आपका एक्सपीरियंस गुड है दैट यू नो इट. कई तरीके के लोग आते हैं, जरूरी नहीं है कि ताज का खाना सबको अच्छा लगे. हालांकि 7-star रेटिंग में वो कंसिडर किया जाता है उसको, तो एक होटल बोलना भी अपने आप में एक यू नो शर्मिंदगी वाली बात होगी. दिस इज नॉट अ होटल, इट्स सॉर्ट ऑफ मोटेल. सो द पॉइंट इज जो मैं कहना चाह रही हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि बायर की सुनवाई होनी बहुत जरूरी होती है और उसको सुनना चाहिए वेंडर को. नॉट इवन कि यहाँ पे सिर्फ एक बायर को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि बायर ने अगर कुछ भी नेगेटिव रिव्यू डाल दिया सो दे आर जस्ट सस्पेंडिंग योर अकाउंट. समटाइम्स इट हैपेंस यू हैविंग कंपटीटर इन योर मार्केट, राइवल्स इन योर मार्केट माइट बी दे आर डूइंग इट. हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज इट? बट एट दी एंड कौन सफर करेगा? वो वेंडर भी सफर करेगा. सर जिस जगह पे आके बिग फैक्शन ने मुझे सेकंड टाइम हेल्प किया है मेरे अकाउंट सस्पेंडेड को ओपन जी करके जी लेवल रिकवरी पे, यस पर. रीइंस्टेटमेंट पे. ओके, इसी पॉइंट पे मैं आने वाला था मैम, दैट हाउ डू यू गेट इन, या आपके ऑनलाइन सफर में हाउ डिड बिग फैक्शन कम अक्रॉस यू, और हाउ डिड यू कम टू नो सर अबाउट इट्स एंड हाउ लाइक डिड वी हेल्प यू? इन 2021 आई मेट विद समवन, दोज हु वर लाइक दे हैविंग द एसपीएम, दे वर हैंडलिंग यू नो लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स साइट्स, एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट दे आर डूइंग इट. सो मुझे उन्होंने रेकमेंड किया कि मैं आपका, मेरा अकाउंट उस टाइम पे सस्पेंड हो गया था बिकॉज माय फ्रीलांसर वाज टेकिंग केयर ऑफ, तो उसने कोई बहुत गलत मैपिंग कर दिया था एप्पल के प्रोडक्ट के साथ. जबकि आई डू नॉट बिलीव टू डू चोरी इन द बिजनेस टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो इफ यू आर गुड लाइक वैल्यू इन द मार्केट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी से काम करना बहुत जरूरी होता है. तो उसने उस टाइम पे ये एक इशू क्रिएट कर दिया, तो मुझे बिग फैक्शन का रेफरेंस मिला. देन आई स्पोक टू सम पानी, यू हैड सम यस लाइक एम्प्लॉय, आई रिमेम्बर दैट स्टिल. तो तानवी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे अपना चार्ज वगैरह बताया एंड शी अश्योर्ड मी, मैडम 24 आवर्स में आपका अकाउंट रीओपन हो जाएगा एंड अश्योरिंग. तो वही हुआ, आफ्टर 3-4 डेज मेरा अकाउंट रीओपन हो गया. देन उसके बाद अभी सिनेरियो बताया कि हमारे कंपटीटर उसके ऊपर रिव्यू के प्रोडक्ट को परचेज करके जो बहुत चीप हरकत करी, परचेज करने के बाद उन्होंने अकाउंट मेरा सस्पेंड करवा दिया. देन मुझे बिग फैक्शन का फिर मैंने कांटेक्ट आप लोगों का अपनी ईमेल से, पिछली 2021 की ईमेल से कांटेक्ट निकाला. देन आई ओके स्पोक टू द पर्सन, फिर वो धीरे धीरे करते करते मैं लाइक जो आपकी टीम है पीओ वाली टीम डिपार्टमेंट, जी इनसे मैंने कनेक्ट किया. तो श्वेता से आई स्पोक और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज आई वॉज लाइक गेटिंग पैनिक कि मुझे जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे इसको ओपन करना है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पे अगर आपका बिजनेस चल रहा हो और एकदम से वो डाउन हो जाए तो इट्स लाइक इम्पैक्ट तो मेरा पड़ता है मैम, अंदर बिकॉज अंदर हाँ पेमेंट इम्पैक्ट आगे करना पड़ता है, सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्ट है, जरूरी है वेंडर सर. कॉस्ट, वेंडर को पेमेंट करना है, तो सब शेड्यूल रहता है, एग्जैक्टली सारी चीजें रुक वो जाती कहीं हैं. ना कहीं वही स्टक थी, जो पेमेंट्स करनी थी वही सारी स्टक हो चुकी थी. तो ओके हाँ, श्वेता के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मुझे यही दिलासा दिया गया कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, टाइम लगेगा बट हो जाएगा. तो एट दी एंड फिर मैंने ही उसको बताया कि मैंने कहा शायद रात छुट्टी पर थे, सैटरडे को आप लोगों का ऑफ जल्दी हो जाता है, तो शाम को मेरा अकाउंट ओपन हो गया था. तो मैंने मंडे मॉर्निंग में ही मैसेज डाल दिया था बिकॉज शी डिड हार्ड वर्क, तो मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना चाहिए. तो करेक्ट मैंने उसको करेक्ट इन्फॉर्म किया कि अकाउंट मेरा ओपन हो गया. थैंक यू सो मच तुम्हारी सपोर्ट से, इतना इतना जो पेशेंस से तुमने मेरे यू नो झेले हैं. जी, तो यस मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस विद बिग फैक्शन, मतलब थैंक मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम्स इट हैपेंस लाइक आज के टाइम में ऐसी चीजें हैं. अगर आप लोकली किसी से काम करवा रहे हो आप तब उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप अपनी सिटी से बाहर किसी से काम करवा रहे हो तो ट्रस्ट करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए जब भी मुझे फीस का चार्ज पता लगा, आई डिडंट थिंक लाइक इवन अबाउट कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, आई जस्ट डिड इट. अब संभालो और जितना जल्दी हो सके इसको आप करो ओपन. एक्टिवेट करो. करेक्ट, हाँ थैंक यू मैम फॉर दिस फीडबैक. मैम, जैसे कि आप डील कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेसेस पे, अभी आप अमेजोन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे हैं, और भी अदर कोई प्लेटफॉर्म पे मैम आप अवेलेबल हैं? अभी फिलहाल के लिए मीशो पर और अमेजोन पर. ओके, और मैम व्हाट इज योर टेक ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट, या उस पे अभी क्या टेक है मैम? आई हैव अ प्लान बट नॉट राइट नाउ. इट्स लाइक ओके आई एम प्लानिंग समथिंग यू नो टू लाइक एक और मार्केट को मैं अभी अमेजोन पे लेके आना चाह रही हूँ. ओके तो उसके भी अप्रूवल्स वगैरह वो सब चीजें हम करवाएंगे, तो वो एक तरीके से फुल फ्लैश मैं कैटेगरीज में उतर जाऊँ जहाँ मुझे पता लगे कि
हाँ अब धीरे 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 मुझे अपना बिजनेस ऑनलाइन के थ्रू ही ग्रो करना है, लेकिन नॉन रिटेनेबल आइटम के साथ मैं मार्केट स्टार्ट करूंगी इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. सो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द बैक एंड राइट नाउ. तो ओके उसके बाद देखो क्या होता है. बट यस, अगर मुझे अमेजोन या इन फ्यूचर फ्लिपकार्ट, अभी मैंने फ्लिपकार्ट का सोचा नहीं है, मेरा ट्रस्ट फैक्टर कम है उस तरफ में. मीशो इज गिविंग मी लाइक गुड ओके एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट. ठीक है, जो चीज़ हम बेचते हैं, जो चीज़ दिखा रहे हैं वही बेच रहे हैं, एंड कस्टमर गिविंग द पोस्ट ऑफ प्राइस रिव्यू ऑन द मीशो एज वेल. तो करेक्ट यू नो, आपको आपको अपनी वैल्यू पता है कि आपको क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है, आप किस कॉस्टिंग पे सेल कर रहे हो, लेकिन कस्टमर हैप्पी, कस्टमर अमेजोन पर भी हैप्पी है, कस्टमर मीशो पर भी हैप्पी है. तो विल सी अबाउट लाइक फ्लिपकार्ट के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. मैम, अगर हम बोले कि सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपने वर्क किया, उसमें से बेस्ट का नाम लेना, तो व्हाट विल बी दैट? अमेजोन लास्ट क्वेश्चन मैम, एज टू व्हेन आप जब ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको अपना सब यू नो योर करियर पर्सपेक्टिव अपने सब लेके सब डिसीजन लिया होगा। फ्यूचर कैसे देखते हैं आप इस ई कॉमर्स बिजनेस को? आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि हाउ फ्यूचर में आपके लिए कैसे होगा? If someone would take my interview where you see yourself after 5 years, I'll tell you Yes, I'll ma'am. see myself after 5 years on Amazon on top. Thank you so much, ma'am. So I would say कि this is an inspiration, because we know that still ये अभी भी इंडिया में एक मेल सेक्शन का एक एक तरफ झुकाव हमेशा ज्यादा रहता है। कोई भी चीज ओपन हो तो वहां पे उनका ज्यादा रहता है। बट आई गेस कि जिस तरह मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ, आप लोग से मैं बातें कर रहा हूँ, सो आई एम सीइंग कि अब वो भी चीज जो है, दैट इज योर ऑल थिंग, ऑल योर पीपल आर काफी ब्रेकिंग द मोटिवेटिंग शैकल्स है. एंड कमिंग फॉरवर्ड, एंड यू आर मेकिंग इट इजियर फॉर द जनरेशन ऑल्सो, दैट इट्स नॉट दैट टफ। टेक अ टफ डिसीजन एंड डू द हार्ड वर्क एंड आई गेस यू विल सी द सक्सेस। यस सो आई यस गेस यस इट इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन मैम फॉर पीपल लाइक यू हु आर वांट टू गेट सो मच। सो थैंक यू सो थैंक मच यू मैम सो फॉर मच. ज्वाइनिंग दिस। इट्स बीइंग अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मैम, एंड सेम यस सर, सेम आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन फॉर गिविंग आउट योर टाइम एंड स्पीकिंग आउट टू एंड सो ओपनली मैम। धन्यवाद सर, सो धन्यवाद. थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू सी दैट लेट्स हैव अ फ्यूचर मोर कॉन्वर्सेशन डिपेंडिंग ऑन द सेल्स दैट वी हैव ऑल्सो लाइक यू हैव डन इट, सो We will दैट have, ऑडियंस वुड because I have one more plan. I spoke with Shweta as well. Yes, So ma'am. let me, you know, get some new market, which I'm already discussing it. After 2-3 months, I'm planning to get into one more market through Yes, ma'am. Amazon. That's why I am pretty much sure about it and optimistic about after 5 years where I would see myself. Correct, I correct. would go to a .com platform as well. So for Yes, ma'am. that, I need some preparation which needs to be done. So first, I'll have to get that documentation and, you know, preparation and everything. Obviously, if you're into business, you have to take care of each and everything. Not you can just your business can be stick on only the Amazon platform. Yes, we have some offline market as well. So I have to take care of each and everything. Then I'll come up with exact preparation, the Exactly. configuration. So we'll take this, ma'am, and I had a pleasure speaking to you, Same here, and I hope we'll meet again, ma'am. For today, it's thank you so much, and sir. Surely, sir. for your valuable time, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks, Thank thanks, you. thanks. Bye. अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमने छोड़ दिया, कोई टॉपिक के लिए अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई किसी टॉपिक पे आप फिर से रिविजिट करना चाहते हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारा बिग फैक्शन को चैनल को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले, जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले आए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बिग फैक्शन से बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।